हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोको कोला रखा हुआ है, और कोको कोला जब भी आप लोग पी रहे होंगे तो थोड़ा सा मीठापन इसमें आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीनी का मात्रा रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो कोको कोला इतना रखा हुआ है इसमें आज इसको पूरा गर्म करके इसको पूरा सुखाने वाले, इसमें जितना भी शक्कर इससे निकलेगा सारा कुछ हम देखने वाले हैं कि इसमें जो है छोटा बोतल में है, बड़ा बोतल में यहाँ पे पूरा है, मतलब कि 2-3 लीटर यहाँ पे है, तो इसमें से कितना हम इससे शक्कर निकाल सकते हैं आज के इस वीडियो में यही हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, काफ़ी कमाल का ये वीडियो होने वाला है। आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कोको कोला में कितना ज़्यादा चीनी का मिलाया जाता है। इसमें भी लिखा हुआ रहता है लेकिन इससे हम लोग को उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है और आदमी वो सब देखता नहीं, लेकिन आज यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट के रूप में रियलिटी आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि कितना इसमें चीनी रहता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। गाइस, कोको कोला से जितना उसमें रखा हुआ है, तो गाइस कोको कोला में जितना भी शुगर का मामला है, गलत, तो गाइस कोको हाँ सर क्या नहीं, तो गाइस कोको कोला से चीनी निकालने का प्रक्रिया हम लोग जारी करने वाले हैं। यहाँ पे 2 लीटर यहाँ पे कोको कोला है और इसमें 2 लीटर 250 ml था, तो इसका जो निकाल के यहाँ पे हम लोग बाल्टी में रखे हुए हैं, मतलब कि कुल मिला के 4 लीटर कोको कोला से हम लोग चीनी निकालने वाले हैं। तो देखना ये है कि 4 लीटर में कितना ज़्यादा शुगर का मामला है, कितना ज़्यादा निकलेगा। तो प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का गैस है, इधर जो गंदा हुआ है उसको मत देखिएगा, थोड़ा सा लापरवाह तरीका से रखे हुए हैं। यहाँ पे है 2 लीटर और 2 लीटर यहाँ पे है, मतलब कि 4 लीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कितना टाइम में बनता है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, और कितना निकलता है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, बहुत को पता नहीं होगा कि इसमें जो है कोको कोला में चीनी का मात्रा रहता है, तो अभी हम आप लोग को प्रूफ दिखाते हैं। कल जो का किए थे यहाँ पे जो था वो थोड़ा बहुत गिर गया, देखिए यहाँ पे लटलट हो चुका है, और लटलट होने का मतलब यही है कि उसमें चीनी का मात्रा है, तभी वो इस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि इसमें रहता है चीनी का मामला, तो कितना रहता है उसके बारे में इस वीडियो में आप लोग को पता चलने वाला है। तो गाइज अभी हम लोग 2 लीटर ही डाले हुए हैं, और कढ़ाई मतलब कि 4 लीटर लेगा नहीं, अभी इतना यहाँ पे बचा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हमको थोड़ा बहुत सुखा लेना पड़ेगा, तभी उसको हमको डालना पड़ेगा, नहीं तो ओवर हो जाएगा। और हम लोग पास बड़ा यहाँ पे बर्तन भी नहीं है जिसमें हम एक बार में ही सारा को हम कर लेते हैं, तो देखते हैं जैसे भी होता है 4 लीटर हम लोग बनाने वाले हैं, देखते हैं 4 लीटर से कितना ज़्यादा निकलेगा। इसमें अभी गैस यहाँ पर जल रहा है, काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो चलिए देखते हैं जैसा होगा वैसा हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बनाना। गाइस, कभी आप लोग गुड़ बनते हुए देखें, अगर नहीं देखे होंगे तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी लागू है, वहाँ पे गन्ना का जो रस है उससे यहाँ पे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम कोल्ड ड्रिंक से बना रहे हैं, गुड़ बना रहे हैं, चीनी जो भी बोल सकते हैं, लेकिन मीठापन इसमें भी रहता है। यहाँ पे देखिए वही प्रक्रिया यहाँ पे जारी है, नीचे से यहाँ पे हम आग दे रहे हैं और यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि खोल रहा है, देखिए थोड़ा व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है हमको लगता है वही होगा। और यहाँ पे और मतलब कि 1 लीटर यहाँ पे बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे सूख जाएगा मतलब कि थोड़ा कम होगा, तो वो जो बचा हुआ है सब हम इसमें डाल देंगे, तभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा शक्कर का मामला रहता है, चीनी का रहता है, सारा कुछ इसी में रहता है, इसलिए हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए वेट करते हैं। तो गैस करीबन 1 घंटा से जो हमारा गैस है वो लगातार चल रहा है, और अभी तक जो हुआ है वो आप लोग को हम दिखाते हैं। इसमें जो है पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, तो अभी हम पूरी तरह से गैस चल ही रहा है और इतना ज़्यादा सूख चुका है। अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो ये जो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा लटका हुआ आप लोग को दिख रहा है, यही है चीनी। इसको अभी और सूखना पड़ेगा, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, ये जो है काफ़ी पतला था, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, धीरे धीरे भी और सूखेगा, काफ़ी पूरा तरह से जब सूख जाएगा तब हमको जो है जो यहाँ पर कढ़ाई में कुछ इस प्रकार से लटका हुआ है वो सब हमको देखने के लिए मिलेगा यहाँ। बस देखना ये है कि कितना ज़्यादा निकलता है, और यहाँ जो रखा हुआ था इसको हम अभी डाले हुए नहीं है, चूँकि इसी में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, अभी हम अगर इसको डाल देते हैं तो फिर से 1 घंटा और टाइम लगेगा। इसमें पहले देख लेते हैं किस प्रकार से निकलता है, उसके बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना शुगर का मात्रा रहता है। तो चलिए अभी भी काफ़ी वक्त लगने वाला है।
जब लास्ट स्टेज में है हम लोग सिर्फ जो कोल्ड ड्रिंक से है वो चीनी निकालने में, तो यहाँ पे अभी आप लोग को दिखाते हैं कि कितना हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब जो होता है, अगर आप लोग गुड़ बनाए होंगे तो आप लोग को पता होगा ये लास्ट स्टेज आ जाता है, और देख सकते हैं किस प्रकार से अब निकलने लगा है। सो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है, मतलब कि जितना भी होगा थोड़ा बहुत जितना भी होगा अब यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब देखना ये है, यहाँ पे हम लोग 3 लीटर डाले हुए थे, 3 लीटर में कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो निकलेगा, चीनी बोल सकते हैं या तो ब्लैक है तो गुड़ भी आप लोग बोल सकते हैं। ये होगा कोल्ड ड्रिंक का गुड़, ये आप लोग भी बोल सकते हैं। तो चलिए लास्ट अभी पूरा जब सूख जाएगा उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं कितना इससे निकलेगा। देखिए तो गाइज हम लोग कोल्ड ड्रिंक का यहाँ पे गुड़ बना रहे थे, या तो बोल सकते हैं उससे चीनी जो था उसको हम लोग निकाल रहे थे कि इसमें कितना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे है इस ये जो बोतल है ये बड़ा बोतल से हम लोग मतलब कि 3 लीटर यहाँ पे हम बना रहे थे। यहाँ पे लास्ट स्टेज में जो हुआ है, जो लास्ट रिजल्ट निकला हुआ है उसको आप लोग देख के मतलब कि आपको लगेगा कि ये सब भी हम लोग पीते हैं। अभी हम आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए ये जो पूरा कढ़ाई में आप लोग देख रहे हैं ये है लास्ट इसका निकला हुआ है। ये पूरा मतलब कि शक्कर नहीं होगा, कुछ और इसमें मिलावट रहता है, लेकिन पूरी तरह से देख सकते हैं एक अलकतरा होता है ना उस प्रकार से प्लास्टिक जैसा यहाँ पे हो चुका है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट स्टेज में तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट हम आप लोग को दिखाए हैं, लेकिन ये सब भी मतलब कि सारा मिक्स रहता है, हम लोग पी जाते हैं ऐसे करके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये टाइट हो चुका है, ये जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, और जिसका कढ़ाई है उसको धोने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाला है। देखिए पूरी तरह से जंग लग गई है, मतलब कि छूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे अभी हम इसको पूरी तरह से कांच के निकाल लेते हैं, उसके बाद लास्ट में दिखाते हैं कितना ज़्यादा निकला हुआ है। यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं मतलब कि इसको छोड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे करके अभी हम निकालते हैं। तो गाइज हम लोग निकाल के आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा तरीका से उसमें लग गया है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख सकते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, एक होता है ना पत्थर बन जाना उस प्रकार से हो चुका है। देख सकते हैं ये निकलने का नाम ही नहीं दे रहा है। इसमें हम पूरा 100% नहीं बोल सकते हैं कि चीनी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट है। अभी हम टेस्ट करके भी देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बहियात ख़राब लगा है यहाँ पे पीने में। तो इसको अभी जैसे तैसे करके अभी हमको निकालना पड़ेगा, हमको नहीं लगता है कि आसानी से निकलेगा। तो आप लोग देख लिए होंगे कि कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक को मतलब कि गर्म करके सुखाने से क्या लास्ट में रिजल्ट निकलता है। हम लोग तो यहाँ पे शक्कर का मात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही निकल गया है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा है किसी नए कमल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। गाइस देखिए किस प्रकार से कढ़ाई से हम लोग उसको निकाल रहे हैं, ये समझिए एक प्रकार से पत्थर ही बन चुका है। देखिए छेनी हथौड़ी से इसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, हम आप लोग को दिखा दिए हैं।